एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, देखो एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में काम किया हमने, एक फ्रेम लिया, ये फिक्स्ड फ्रेम है, लोहे का फ्रेम है, और यहां पर एक स्लाइडर लगा दिया। स्लाइडर, ये स्लाइडर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे फ्री टू मूव है, आगे पीछे मूव कर सकते हैं, तो और फ्री टू मूव है, कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। इसको आपने सोप की फिल्म में डुबो दिया, तो यहां पर क्या है, सोप की फिल्म आ गई और छोड़ दिया। अब क्या होगा, सोप की फिल्म अपने एरिया को क्या करेगी, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी। जब वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी तो ये और ये फ्रेम को तो हिला नहीं पाएगी, तो फिक्स्ड है, ये फ्री टू मूव है। तो ये सोप की फिल्म जब एरिया को मिनिमाइज करेगी तो इस स्लाइडर को लेफ्ट की तरफ खींच लेगी, अपने एरिया को क्या करेगी, कम, और ये रॉड यहां पे आ गई। तो बस इतने एरिया में सोप की फिल्म हो गई, तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी ऐसा करेगी करेगी। क्या स्टेप क्लियर है? लेकिन आप नहीं हटे, आपने क्या कहा, अच्छा ऐसे कैसे कम कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, उल्टी फोर्स लगाऊंगा। ये फोर्स कौन लगा रहा है, आप लगा रहे हो। ये फोर्स कौन लगा रहा है, सरफेस टेंशन की फोर्स लगा रही है। सरफेस टेंशन ने एरिया को मिनिमाइज किया, आपने उल्टी फोर्स लगा के इसको एक्स डिस्प्लेस किया था लिक्विड ने, पर आपने क्या किया, इसको एक्स खोल दिया। तो ये स्लाइडर यहां से यहां आया था, सरफेस टेंशन की फोर्स ने इसको लेफ्ट तरफ खींच दिया था, पर आपकी फोर्स इसको कहां ले आई, वापस यहीं पे ले आई। तो अगर ये लेंथ एल है, अगर ये एक्स है, तो कितना एरिया आपने बढ़ा दिया इसका, सोप की फिल्म का, एल इंटू एक्स। तो एरिया कितना बढ़ गया, एल इंटू एक्स। क्या स्टेप क्लियर है? तो ये बताओ इसके अंदर आपने फोर्स कितनी लगाई, जितनी फोर्स सरफेस टेंशन ने लगाई उतनी फोर्स आपने उल्टी लगा दी। तो सरफेस टेंशन ने कितनी फोर्स लगाई ये इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन की फोर्स कभी भी निकालनी हो, फोर्स को किससे डिवाइड करना है, लेंथ से। तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इनटू लेंथ आएगी, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इनटू लेंथ, क्या लें, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये लेंथ क्या है, एल है, तो मुझे क्या लेना चाहिए यहां पे, एल। तो ये रॉड की लेंथ अगर एल है तो यहां पर क्या लेना चाहिए, एल। तो सिग्मा इनटू एल क्या है, फोर्स है। पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्लाइडर है ना और ये फिल्म है, इसमें दो फ्री सरफेस है, एक नहीं है। कैसे? क्योंकि ये मेरी मेरा हाथ सोप की फिल्म में, इसको बाहर ले आया मैं, कि सोप की फिल्म है, ये मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के ऊपर, फिल्म के अंदर लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, फिल्म के अंदर माइक्रोस्कोप से देखोगे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, और फिर ये मॉलिक्यूल्स हैं पीछे। इस मॉलिक्यूल के इधर भी एयर है, इस मॉलिक्यूल के इधर भी एयर है, और इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके बीच में लाखों मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल भी एरिया को कम कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल पीछे से एरिया को कम कर रहे हैं। तो फिर दो दो प्रोसेस इकट्ठे चल रहे हैं, एक आगे चल रहे हैं और एक पीछे भी चल रहे हैं। तो इसमें कितनी फ्री सर्फेसिस हैं, दो फ्री सर्फेस हैं। तो दो सर्फेस टेंशन की प्रॉपर्टीज लगेंगी, एक आगे भी लगेगी और एक पीछे भी लगेगी, क्लियर है। तो एरिया आगे का कितना चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ आगे का एल इंटू एक्स, फिर पीछे का भी एग्जैक्टली इतना ही चेंज हुआ होगा, एल इंटू एक्स। तो टोटल एरिया, तो एरिया जो इंक्रीज हुआ, अगर मैं पूछूं कितना एरिया इंक्रीज हुआ, एल इंटू एक्स आगे, एल इंटू एक्स पीछे, ऐसे ये इंक्रीज हुआ। तो टू इंटू एल इंटू एक्स एरिया इंक्रीज हुआ, एल इंटू एक्स नहीं हुआ, डबल आगे भी और पीछे भी, क्योंकि इसमें कितनी फ्री सरफेस है, दो। और लेंथ सरफेस टेंशन की फोर्स भी कितनी लग रही है, डबल। डबल क्यों, क्योंकि इन मॉलिक्यूल पे फोर्स अलग लग रही है और इन मॉलिक्यूल पे फोर्स अलग लग रही है, तो फोर्स को भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें फोर्स की वैल्यू सिग्मा इंटू एल, डबल मल्टीप्लाई किया क्योंकि दो फ्री सरफेस हैं, और एरिया भी एल इंटू एक्स को टू से मल्टीप्लाई किया क्योंकि दो फ्री सरफेस हैं। तो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, कितना वर्क डन किया, इतना वर्क डन किया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हुआ, एल इंटू एक्स इंटू टू हुआ, एल इंटू एक्स कैंसल, टू से टू कैंसल, तो क्या आ गया, सिग्मा। तो इंपॉर्टेंट है सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। तो आपको न्यूमेरिकल्स में काम कैसे करना है, आप ऐसे लिखें फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला लिखें सरफेस टेंशन का, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, या तो ये यूज होगा जिन क्वेश्चन में फोर्स की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर लिखें सिग्मा इज वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया। ये दो डेफिनेशन लिखे हैं, वर्क डन इंक्रीजिंग द एरिया बाय इंक्रीज इन एरिया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?
अगर कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स के साथ न्यूमेरिकल आता है तो पहली डेफिनेशन, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी का आता है तो सेकंड डेफिनेशन। तो आज हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स के न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी का करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स के अंदर जैसे सपोज करो एक न्यूमेरिकल है, लेकिन इस न्यूमेरिकल से भी पहले एक और काम करना पड़ेगा, आपको ये नोट कर लें।